हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर के द्वारा एलडीआर लिमिटेड डायरेक्ट रिक्रूटमेंट पदों के लिए परिणाम नहीं निकाले जाने पर प्रदेश भर के अभ्यर्थी असमंजस में हैं। अभ्यर्थी संजय कुमार, पवन कुमार, तृप्ता देवी सहित अनेक अभ्यर्थियों ने बताया कि लिखित परीक्षा 14 अक्टूबर 2017 को हुई थी, जबकि टाइपिंग टेस्ट दिसंबर 2017 में ही हो चुका है, लेकिन अब इतने दिन होने के बावजूद भी परिणाम घोषित नहीं किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि चयन आयोग कार्यालय में भी फोन करके पता करने पर यही कहा जा रहा है कि जल्द ही परिणाम निकाला जाएगा, लेकिन आज इतने दिन बीत जाने के बाद भी परिणाम घोषित नहीं किया है। गौरतलब है कि एक ओर तो प्रदेश सरकार द्वारा पारदर्शिता की बातें की जाती हैं, लेकिन वहीं 3 माह से भी ज्यादा समय होने के बावजूद भी सैकड़ों अभ्यर्थियों के परिणाम नहीं निकाला जा रहा है, जिससे अभ्यर्थियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यही नहीं, कई अभ्यर्थी आए दिन चयन आयोग कार्यालय के चक्कर भी काटने के लिए मजबूर हो गए हैं।